हेलो एवरीवन, मैं राधिका आज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज। इसमें मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। आप मेरी पूरी वीडियो को देखिए, स्किप ना कर, बीच में आपको अच्छे से पता लगेगा मैं कैसे बना रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये चपाती के साथ, पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या यूज करेंगे और कैसे हम इसे बनाएंगे। हमने इसमें लिया है चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप की हुई प्याज, आलू बड़े दो कटे हुए ले रखे मैंने काट के, एक गाजर, थोड़ी सी मैंने ली है फूल गोभी, उसके मैंने डंठल भी साथ में लिए हैं, थोड़े कच्चे वाले पत्ते भी साथ में लिए हैं क्योंकि मिक्स वेज में पत्ते और डंठल बहुत अच्छे लगते हैं। ये लिए मैंने मटर, एक शिमला मिर्च ली है मैंने। अब इसमें मैंने कहीं भी हरी मिर्च और टमाटर नहीं लिया है, तो वो आप देखिए, आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो हमें कैसे ऐड करने हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका अच्छे से। अब इसमें हम एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे, एक चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे, अब हम इसमें लहसुन ऐड कर रहे हैं, अब इसमें प्याज ऐड करेंगे, हमारी प्याज भुन चुकी है, अब इसमें हम मटर ऐड कर देंगे। और ये शिमला मिर्च, गोभी, आलू, गाजर सब हम ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार करें आप। अब इसको हम पकने तक ढककर पकाएंगे। ये हमारी वेजिटेबल बन के बिल्कुल रेडी है, अच्छे से पक चुकी है हमारी सारी सब्जी है। अब इसमें ऐड करते हैं हम हरा धनिया, हरा धनिया डालना खूब सारा हमें। अब
ये वेजिटेबल उसके लिए है जो मिर्च खाना पसंद नहीं करता, टमाटर खाना पसंद नहीं करते। जैसे हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको मिर्च नहीं चाहिए, कुछ होते टमाटर भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे घर में भी है डैडी मम्मी, उनको टमाटर और मिर्च नहीं चाहिए वेजिटेबल में। तो ये इसलिए मैं आज आपको ये बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा मिर्च खाती हूँ। इसलिए आगे आप मुझसे जुड़े रहिए और मैं इसमें अपनी मिर्च कैसे ऐड करूँगी वो आपको आगे दिखाऊंगी। अब ये उनके लिए सब्जी बनके तैयार है, मम्मी डैडी के लिए। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये रेडी है हमारी वेजिटेबल, हमारी डैडी मम्मी की थाली रेडी है बिल्कुल। ये मम्मी की थाली है, ये डैडी की थाली है। डैडी पैरालाइज है तो इसलिए उनको रोटी को तोड़ के देते हैं हम। ये बिना मिर्च और बिना टमाटर की सब्जी है। आगे आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको बताती हूँ मैं टमाटर और मिर्च उसमें कैसे ऐड करूँगी। आप उसे ध्यान से देखिए। अब हमने अपना मसाला तैयार कर लिया है। मैंने लिए अदरक, 5 से 6 हरी मिर्च और 2 टमाटर कटे हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा तेल डालूंगी इसमें, आधी छोटी चम्मच बिल्कुल। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक, अदरक हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, अब हम डाल देंगे टमाटर। इन सबको अच्छे से अब हम पकाएंगे। मैं इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, जो इससे हमारे टमाटर गल जाएंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब देख लेते हैं हमारे टमाटर। हमारे टमाटर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल को मिक्स करेंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा नहीं है भाई, मिर्च सभी खाते हैं, तो आप इसको जैसे हम जीरा डालते हैं, मेथी दाना डालते हैं, प्याज लहसुन डालते हैं, उसके बाद ही आप टमाटर और मिर्च ऐड कर सकते हैं।
लेकिन मेरे घर में तो रेगुलर ऐसे ही बनती है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल मिक्स कर लेंगे। अब हमने अपनी मिक्स वेजिटेबल इसमें टमाटर में मिर्च मिक्स कर लिए। अगर आप इसमें गरम मसाला ऐड करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। मैंने आज कोई मसाला यूज नहीं किया इसमें। आज मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से अपनी मिक्स वेज बनाई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही खाने में डिलीशियस बनेगी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हमारी मिक्स वेज तैयार है। अब मैंने गैस ऑफ कर दी है। ये तैयार है हमारी मिक्स वेज। गर्मा गर्म इसे सर्व करें और खाएं। धन्यवाद।